उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सीतापुर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 15 सितंबर से प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही सभी मार्गों को आवागमन के लायक बनाया जाएगा। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री मौर्य ने आज सीतापुर में लोक निर्माण विभाग और राज्य सेतु निगम के द्वारा संचालित कार्यों और योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस अवसर पर दोनों विभागों के कुल 327 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त साथियों का इतना ही मेरा कहना है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से किसी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन 2014 का उनका बयान याद करिएगा कि लोकसभा के लिए क्या दावा कर रहे थे, 2017 के जब विधानसभा थे तब वह क्या दावा कर रहे थे, और 2019 में तो प्रधानमंत्री पद की शपथ ही लेने जा रहे थे कुलपति जी मिलकर के। लेकिन जनता का जो आशीर्वाद भाजपा के साथ है और भाजपा के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के परिणाम स्वरूप आज हम यह पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि एक बार फिर से जनता का आशीर्वाद भाजपा को प्राप्त होगा और हम लोग 300 से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में फिर जीतेंगे और सरकार बनाएंगे, सुशासन देंगे, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का भविष्य कैसे उज्ज्वल हो इसके लिए सब काम करेंगे।